आज मैं हूँ किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बैग हॉल शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किए हैं। मैंने बहुत सारे बाय किए हैं तो वन बाय वन करके, और भी टोटल 3 पार्ट्स आएंगे बैग हॉल्स के फ्लिपकार्ट के, तो देखना मत भूलिएगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है और अफोर्डेबल प्राइस में है। सारे के सारे जो है 300, 400, 500 में है। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप बिग बैग्स जो होते हैं हैंड बैग्स उसका रिव्यू कीजिए, मीडियम साइज के जो होते हैं उसका रिव्यू कीजिए, तो सारे टाइप का कलेक्शन है और कलेक्शन देख के ही आप बाय कर लोगे, ऐसा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझ पे ट्रस्ट करके बाय किया है जो बहुत ही अच्छी बात है, और उनको क्वालिटी अच्छी लगी है तो मुझे भी दिल से बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करके कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हो। और मेरी चैनल को आप बैग्स का अड्डा भी बोल सकते हो क्योंकि मेरी चैनल पे इतने सारे बैग्स हॉल मैंने किए हैं ऑलरेडी और आगे भी आने वाले हैं। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहेगा तो डेफिनेटली मैं आगे भी बहुत सारे हॉल्स शेयर करूंगी। और बस अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हो सके ना शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। ये जो लुक है वो मैंने राखी ईद के लिए क्रिएट किया था, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो ये वाला मेकअप लुक तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं इतना मेकअप करके कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, सिर्फ काजल लिपस्टिक करके ही बैठ जाती हूँ। लेकिन उसके बाद तुरंत मैंने ये शूट किया है तो इसीलिए इतनी रेडी हुई हूँ। तो चलो अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले मैंने बहुत सारे हॉल्स किए हैं, अमेजोन के हॉल्स किए हैं। उसमें आपने देखा होगा तो स्पीड एक्स के जो ब्रांड है, फॉस्ट्रीलो है एमके करके, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी अफोर्डेबल होती है, 400-500 अराउंड में होती है। वैसे ही फ्लिपकार्ट पे मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद आई है जिनका नाम है एफडी फैशन करके, उनकी ब्रांड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ये सारे प्रोडक्ट की लिंक भी मिल जाएगी। इतना अमेजिंग है और इस बार मैं ये जो बैग हॉल्स है थोड़े डिफरेंट टाइप्स के कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बहुत क्लोजअप से बता रही हूँ। मैं वेयर करके ट्राई ऑन में भी बताऊंगी कि बैग हम जब शोल्डर पे लगाते हैं तो कैसा लगता है और ऐसे भी कैसा लगता है। आप सबको बाइंग लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बड़ी साइज है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, इस तरह से पैक होके आया है इसीलिए ये मैंने रखा है। पहले आपको दिखा दूं कि पैकिंग कैसा है, तो इस तरह से पैक होके आता है। पहले तो फ्लिपकार्ट का जो होता है वो बॉक्स वगैरह होता है, उसकी बैग होती है, उसके अंदर ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग में पैक होके आया है। गाइज मैंने उसके ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट बैग थी मैंने निकाल दी है। निकालने के बाद इस तरह का लगता है। इस बार मैं आपको ज्यादा डीप में ज्यादा क्लोजअप बताना चाहती हूँ इसलिए इस टाइप का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। देखो ये वाइट स्ट्रिप है, ये रेड कलर की, रेड मरून कलर की स्ट्रिप में है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका हैंडल भी बहुत ही अच्छा है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, इसमें कितने कंपार्टमेंट है देख लेते हैं। इस तरह से खोलना है, यहाँ पे देखोगे तो जीप है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर देखोगे तो अंदर इस तरह का है, अंदर का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी चीप वाला नहीं है गाइज। जो कपड़े का आता है चीप वाला जो फट जाता है वो टाइप का बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। ये देखो ब्राउन कलर का है, अंदर देखोगे तो इस तरह का एक और कंपार्टमेंट दिया गया है, तो दिखाती हूँ। ये वाला छोटा सा दिया है जहां पे आप पॉकेट्स वगैरह वहां पे आप अपने कॉइन्स वगैरह कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। ये वाला वीडियो शूट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही मतलब कि इसको दिखाने में बहुत डीपली दिखाने में। देखो आप अंदर भी जीप दी है इन्होंने जो आप खोल सकते हो अंदर। ये वाला जो है वो एक कंपार्टमेंट है, उसके बाद ये पॉकेट वाला खोला वो दूसरा है, और पीछे देखोगे तो तीसरा है ऐसे है, और ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया है जहां पे आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हो वो टाइप का है। पीछे देखोगे तो पीछे भी एक कंपार्टमेंट दिया है छोटा सा जहां पे आप कीज या थोड़े से चिल्लर वगैरह रख सकते हो, और बहुत बड़ा है, अपना सेलफोन भी आ जाएगा, मेकअप का थोड़ा टचअप सामान जो होता है वो भी आ जाएगा। पीछे से इस तरह का दिखता है, नीचे से ऐसा है, आगे देखोगे तो इस तरह का दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है, स्ट्रिप वाला है। इसकी पैटर्न बहुत अच्छी है, ये आप कॉलेज के लिए भी ले जा सकते हो, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो या आपका छोटा बेबी है तो भी उसका सारा जो सामान है इसमें आ जाएगा वो टाइप का है, तो इजीली आप इसको बाय कर सकते हो, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। सारों की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारा कलेक्शन जो है वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है।
बाद का है वो इस तरह का दिखता है, पिंक कलर का है, लाइट पिंक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो लगाया है, इस तरह का बेल्ट दिया है, मतलब कि हैंडल पकड़ने के लिए जो बोलते हैं, इस तरह का व्हाइट कलर का, बहुत स्टाइलिश है। साइड में से देखोगे तो इस तरह से लगता है, इस तरह से, और बहुत अच्छा है। क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है गाइज, मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई। नीचे से देखोगे तो इस तरह का है, बहुत बड़ा है, चौड़ा है, सारा जो सामान है आपका इजीली आ जाएगा वो टाइप का है। इसमें देखोगे तो ये वन कंपार्टमेंट है और ये दूसरा है, अंदर कागज यानी कि न्यूज़पेपर उन्होंने डाले हुए हैं, जो मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको स्पेस का प्रॉपर आइडिया आ जाए कि कितने तक की स्पेस है, मुझे भी पता चले कि आपको बताऊँ कि कितना बड़ा है। तो मैं निकाल देती हूँ सारा, देखो इतने सारे न्यूज़पेपर बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि बहुत बड़ा है। देखो अंदर से बहुत ही बड़ा है, बहुत, अंदर का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये है ना, अंदर का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ठीक है, बिल्कुल भी पतला वाला फैब्रिक नहीं है, चीफ वाला जो फट जाता है या क्या बोलते हैं हॉल्स हो जाते हैं ना, छोटे छोटे हॉल्स पड़ जाते हैं, वो टाइप का नहीं है। ये एक कंपार्टमेंट है, बहुत बड़ा है, अगर आप कॉलेज जाते हो तो बुक्स वगैरह भी आ जाएगी, छोटे बेबी के कपड़े, डायपर वगैरह भी आ जाएंगे। ये दूसरा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने पॉकेट दिया है, मतलब कि छोटा सा है जिसमें आप अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो, वो टाइप का है, जैसे कार्ड्स वगैरह होते हैं, कीज वगैरह होती है घर की। वैसे पीछे देखोगे तो पीछे भी इस तरह का जिप दी है, एक और एक्स्ट्रा दिया है, ये भी बड़ा है, सेलफोन तक आ जाएगा, इतनी बड़ी साइज है, अंदर से डीप है, यहां तक जाता है, तो सारी चीजें आ जाएगी, छोटी काजल, लिपस्टिक, छोटे छोटी जो टाइनी टाइनी चीजें होती है वो भी आ जाएगी, वो टाइप का है। बहुत ही प्यारा है, लुक वाइज भी बहुत ही क्लासी लग रहा है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी नहीं लग रही है। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। के बाद का जो बैग है वो इस तरह का है, पहले जो आपने जो देखा उस टाइप की यहाँ पे पैटर्न है, लेकिन आगे की जो बाकी की पैटर्न है वो अलग है, और ये ब्राउन कलर का और ब्लू कलर का है, ये कॉलेज के लिए भी है, कॉलेज के लिए तो कम है, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमन हो, आप ऑफिस वगैरह जाते हो तो उनके लिए ये बेस्ट है, बहुत ही कैजुअल लुक देता है, फॉर्मल लुक देता है। ब्राउन कलर है तो ब्राउन टैंग कलर एवरग्रीन है, हर किसी के साथ मैच हो जाता है, FD फैशन करके उन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, मेरे पे अगर आप ट्रस्ट करते हो गाइस तो ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी कि यार आप ले लो करो, क्योंकि मैं ही मेरे पैसे से लेती हूँ तो मैं आपको क्यों झूठ बताऊंगी। ये एक फर्स्ट कंपार्टमेंट है, दूसरा ये है, दोनों जिप वाले हम खोल के देखते हैं, इसमें भी न्यूज पेपर है, ये लोग न्यूज पेपर रखते ही ताकि हमें स्पेस का भी पता चले और हम देख सके, लुक भी बाहर से अच्छा आता है, न्यूज़पेपर डालते तो तभी पता चलता है कि कितना बड़ा है, बहुत सारे डाले। सेकंड, इसके पहले का जो बैग देखा ना वैसा ही है सेम, एक तो उड़ के उस साइड गया है, जाने दो। ये जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसका, और इसका फैब्रिक ब्राउन कलर का है, उनकी ब्रांड का फैब्रिक लगाया हुआ है, प्रिंटेड, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है, फैब्रिक भी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, मोटा है, बिल्कुल भी पतला नहीं है, और वाटरप्रूफ टाइप का है, आपका अंदर वाटरप्रूफ है, मतलब कि आप अंदर कुछ रखोगे तो बाहर पानी गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा है। देखो मेरा आधा यहाँ तक, एल्बो तक का मेरा हाथ चला गया। ये दूसरा है, और ये छोटा कंपार्टमेंट है जिप वाला, जहाँ पे आप रख सकते हो, छोटा बोल इसकी कंपेयर में छोटा है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा है, मेरा पूरा हाथ चला गया, देखो यानी सेलफोन तक, मोबाइल फोन वगैरह तक आ जाएंगे, वो टाइप का है। पीछे देखोगे तो पीछे भी एक कंपार्टमेंट है, वो भी बड़ा है, ये देखो पूरा हाथ मेरा चला गया, इतना यहाँ तक आता है, यहाँ तक तो सारी चीजें आ जाएगी, और बहुत अच्छा है, क्लासी लुक देता है, और नॉर्मल कैजुअल है, जिनको बहुत भपकीले चमकीले नहीं पसंद है उनके लिए बेस्ट है, मुझे ये वाला भी बहुत ही पसंद आया है। तो मेरी तरफ से गाइस बिग थम्स अप है, आगे भी और दो पार्ट्स आने वाले हैं, ये वाली ब्रांड डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो, अभी सेल्स भी आएंगे, अभी फेस्टिवल आएगा तो आपको डेफिनेटली बैग्स की जरूरत पड़ेगी, और बहुत कम प्राइस में मे बी आपको मिल जाएगा। इस सारों की प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है और साइज भी मीडियम टू लार्ज है, तो डेफिनेटली मस्ट बाय, बिग थम्स अप है मेरी तरफ से। आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।